हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। और पिछले सेशन में हमने बात की थी लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में। तो बेसिकली जो स्विच केस यूज़ किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो बट उसमें से एक ही कंडीशन ट्रू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेज की बात करें तो हमारे पास एट ए टाइम एक ही डेज होगा, उसमें हम चेक करेंगे कंडीशन और उसमें एक ही कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज़ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डे, डे इक्वल्स टू वन। और यहाँ पर हम लेते हैं स्विच केस के लिए हम यूज़ करते हैं स्विच, और यहाँ पर हम पास करते हैं अपने डे को। देन इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं केस, और केस में हम यहाँ पर लिखते हैं वन। देन यहाँ पर आप जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हम लिखते हैं संडे संडे। सिमिलरली यहाँ पर हम और कंडीशन, देन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि हमें कंडीशन को ब्रेक भी करना, जहाँ से हमें कंडीशन हमारी फाइंड आउट हो जाएगी हम क्या कर देंगे, स्विच ब्लॉक को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर टू होगा तो हमारे पास मंडे मंडे, अगर हमारे पास थ्री होगा तो ट्यूसडे, और अगर फोर होगा तो हमारे पास वेनसडे। देन यहाँ पर हमारा होगा थर्सडे, देन हमारे पास नेक्स्ट हमारा होगा फ्राइडे, एंड सिक्स होगा हमारा फ्राइडे, देन सेवन होगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा होगा फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कोई रेंडर नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूसडे। अब सपोज़ यहाँ पर मैं कुछ ऐसी कंडीशन लेता हूँ जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में हमको क्या लेना पड़ेगा, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट, और इसमें हम प्रिंट करेंगे रॉन्ग इनपुट रॉन्ग इनपुट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉन्ग इनपुट। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक सॉरी यहाँ पर हमने एक डेसिमल वैल्यू ली। सिमिलरली हम यहाँ पर स्ट्रिंग एज वेल एज बुलियन वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज़ यहाँ पर मैं डे को एक ले लेता हूँ मंडे। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सिंपली लिखना पड़ेगा संडे, देन यहाँ पर हम लेंगे मंडे, देन यहाँ पर लेंगे ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर फ्राइडे लेता हूँ,
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट फ्राइडे आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम बुलियन वैल्यू भी हम ले सकते हैं। तो ये था हमारा स्विच केस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।